10 नवंबर धनतेरस वाले दिन बस कर लेना। एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगा। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा बल्कि इस उपाय को करने के बाद आप बन जाओगे करोड़पति। आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। दोस्तों, 10 नवंबर को धनतेरस का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और इस दिन अगर आप सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके एक मुट्ठी धनिया का वह प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आपने कई वीडियो में धनतेरस के दिन धनिया से किए जाने वाले उपाय के बारे में देखा होगा, लेकिन हम जो उपाय धनिया का आज आपको बताएंगे वो बिल्कुल ही कारगर और अलग है जिसका रिजल्ट की हमारा चैनल आपको गारंटी देता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि हम जो उपाय धनिया का बताएंगे वो आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगा। आप इस उपाय के बारे में पूरी जानकारी लें फिर हम आपसे वादा करते हैं कि अगर ये धनिया का विशेष उपाय आपने सही से कर लिया तो धन दौलत आपके घर पूरे साल बरसेगा। आपको राजा बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। सदैव आप पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। यह प्राचीन काल के समय का एक ऐसा महा उपाय है जो अगर धनतेरस वाले दिन किया जाए तो कभी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और इस दिन माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय कोई भी व्यक्ति अगर उनके सामने करता है तो माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि धनतेरस वाले दिन जितने भी हिंदू भाई बहन होते हैं वह धनिया खरीद करके जरूर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करके उसको अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं क्योंकि दोस्तों धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों में बताया गया है धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। धनिया जो है वह माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में से एक मानी गई है। वैसे तो धनिया का इस्तेमाल रसोई घर में किया जाता है ताकि खाने में स्वाद बढ़ाया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ अगर धनिया का उपाय या प्रयोग आप माता लक्ष्मी जी की पूजा में करेंगे तो आपकी पूजा तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाएगी। और अगर अपने तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का उपाय धनतेरस वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस प्रकार से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो बस आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देख लीजिए और सिर्फ आप आने वाले 10 नवंबर को जिस दिन धनतेरस का दिन है इस दिन एक मुट्ठी धनिया के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है और इस प्राचीन काल के समय के उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपकी तिजोरी में सोना चांदी जेवरात में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन में फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी और समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सा उपाय धनतेरस वाले दिन किस मुहूर्त पर करना है इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे,
और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी जी की। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप दिवाली वाले दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना तो कतई भी मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय दोस्तों। अगर आपके जीवन में धन नहीं टिकता है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, तो ये छोटा सा उपाय, अगर आपने धनतेरस वाले दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो मान के चलिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चले जा रहे हैं, वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और बेफिजूल खर्ची समाप्त हो जाएगी। आपको ये उपाय धनतेरस वाले दिन रात में 8 बजे के बाद करना है। रात में 8 बजे के बाद बस आपको एक मुट्ठी धनिया लेना है। आपके घर पर जो भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है वहां पर एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया आपको डाल देना है, इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने हाथ में पढ़कर माता लक्ष्मी जी के सामने उनके बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत ही ज्यादा अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बीज मंत्र को, इस जाप को आपको सिर्फ 11 बार करना है। उसके बाद इसे मुट्ठी धनिया जिसको अपने लाल कपड़े में रखा है, जिसकी आपने पोटली बना ली है, इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना है। इतना उपाय अगर आपने इस प्रकार से कर लिया जो आपको हमने बताया है तो मान कर चले, यह धनिया आपके जीवन से उस हर प्रकार के दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं था, और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी, धन की वृद्धि होगी और हर प्रकार का दोष जो भी आपके ऊपर है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय दोस्तों। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वह व्यक्ति अगर धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उस व्यक्ति को सिर्फ फायदा पहुंचता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और इस दिन अगर आप एक मुट्ठी धनिया का वह उपाय करते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह पूरे जीवन कल आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आप अपने जीवन में इस उपाय को करने के बाद बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। यह उपाय आपको धनतेरस के दिन में करना है, यानी कि धनतेरस इस बार 10 नवंबर को पड़ रहा है। बस आपको यह करना है कि धनतेरस वाले दिन किसी भी वक्त नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख लीजिएगा, एक घी का दीपक लीजिएगा, घर के पास जो भी माता लक्ष्मी जी की मंदिर हो वहां पर चले जाना। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के बाद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जला देना है। आपको और एक मुट्ठी धनिया जो आप लाल कपड़े में रख करके लाए हैं इसको माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआना है और घर पर लाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपने यह उपाय धनतेरस वाले दिन कर लिया तो यह धनिया अभिमंत्रित हो जाएगी, यह धनिया सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और इस उपाय को करने के बाद यह धनिया आपके शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन की तो वृद्धि होगी ही होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। जी इस उपाय को करना भूल कर मत भूलिएगा।